सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अरकाना क्या है, अरकाना को कैसे यूज़ करते हैं और अरकाना को कैसे बिल्ड करते हैं। देखो गाइस, बहुत लोग कितने दिन से कह रहे थे यार अरकाना पे वीडियो ला दो। तो यार देखो, अब वीडियो आप सभी को मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो देते रहूँ। तो फिलहाल चलो यार अभी सीख लेते हैं हम लोग अरकाना कैसे बनाए। देखो अरकाना ना, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अरकाना। तो देखो अरकाना एक ऐसा चीज़ है ना कि जो भी आपका हीरो है उसको एक बूस्ट देता है, एक कह सकते हो एक इनहेंस पावर देता है, या फिर एक पावर, ऐसी पावर देता है जो स्टार्टिंग से ना आपका हीरो स्ट्रांग रहेगा। अगर आप बिना अरकाना का कोई हीरो यूज़ करते हो तो उसकी जो पावर होती है वो पहले से कम होती है, लेकिन आप अरकाना लगाओगे तो एक एडिशनल पावर मिलता है कोई भी हीरो को। लाइक अगर कोई टैंक है तो उसको एडिशनल डिफेंस दे सकते हो, अगर कोई असैसिन है तो आप उसको एडिशनल क्रिटिकल डैमेज या फिर एडिशनल डैमेज दे सकते हो, कोई वॉरियर है तो आप उसको डैमेज प्लस डिफेंस दे सकते हो। तो ऐसे ही आप सभी को कस्टमाइज़ करके अरकाना बनाना है। तो मैं आप सबको सिखाऊंगा कि कैसे अरकाना को बनाते हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अरकाना पेज पे। अब देखो गाइस, मैं आप सभी को एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि अरकाना कैसे बनाते हैं। देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि ना लाइक इसमें से जाएंगे एंड सजेस्टेड अरकाना यूज़ करेंगे जो भी टॉप प्लेयर्स हैं। देखो ये ऐसा नहीं करो कि गलत है, लेकिन ये आपके हीरो पे डिपेंड करता है। लाइक आप अगर कोई एक हीरो स्पैमर हो या फिर आपका कोई मेन हीरो है तो उसके लिए क्या जो सामने वाले का अरकाना है वो आपके लिए सही है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप यूज़ करोगे, अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करें। लाइक उसके अरकाना में लाइक थोड़ा भी लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन आपको लाइफ स्टाइल भी चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो ये कैसे करें मैं आप सभी को बताता हूँ। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्कर्ट खेलता हूँ, ठीक है। तो स्कर्ट खेलता हूँ तो मैंने स्कर्ट का अरकाना बना रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे देखो मैंने स्कर्ट का जो अरकाना है ये देखो मैंने लाइक जो भी है डिफेंस है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सजेस्टेड में और स्कर्ट का यहाँ पे अरकाना देखूँ तो एक मिनट, टैंक में स्कर्ट यहाँ पे देखो एकदम नॉर्मल से दिया है, रिलाइवर पैलेडन एंड गार्डियन, ठीक है। ये तो मेरे को दिया है ऑलरेडी। बहुत लोग बिल्स ब्लेड यूज़ करते हैं, बहुत लोग फेरी यूज़ करते हैं, बहुत लोग ड्रैगन यूज़ करते हैं जो मतलब और ज़्यादा स्पैम किए हैं, कुछ लोग नोमैड यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेरी। देखो सबका अपना अपना है, जिसको जिससे जम जाए। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये सारे अरकाना पर जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अरकाना मेरे बिल्कुल नहीं सूट करता स्कर्ट पे। क्योंकि देखो यार मैं मानता हूँ कि ये मैजिक डैमेज देता है, बट इसको यार डिफेंस चाहिए क्योंकि ये इनफ है अगर एक तरीके से फार्म हो गया ना। इसलिए ऐसे बाकी बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनको अलग अलग अरकाना चाहिए, बहुत लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये मैजिक डैमेज देता है तो हम लोग इसको मैजिक अरकाना दे के इसमें और ज़्यादा डैमेज भर दें। ऐसा नहीं होता गाइस, सब हीरो को अपने हिसाब से एक स्टेबल अरकाना देना पड़ता है ताकि वो स्टेबली वर्क कर पाएँ। तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। लाइक मैंने यहाँ पे देखो सेम अरकाना दिया जो कि ऑलरेडी वो मेरे को दिया गया, लेकिन इसमें मैंने चेंजेस क्या किया देखो। ओके तो यहाँ पे देखो मैंने गार्डियन दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आर्मर प्लस मैक्स एचपी प्लस अटैक स्पीड, ठीक है। और जो स्कर्ड है ना, स्कर्ड एक तरीके का टैंक है, टैंक ही हीरो है, बट इसमें डैमेज भी है तो इस वजह से इसको डिफेंस दिया जा रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अटैक स्पीड वाला गार्डियन दे रखा है, तो लगभग मैंने इसको 8 दे रखा है क्योंकि इसको अच्छा खासा डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए और कोई था नहीं। जैसे मैं अगर चेंज करता हूँ तो देखो इसको बिल्ड स्प्लिट दे सकता हूँ क्रिटिकल चांसेस। मेरे ख्याल से इसको बिल्ड स्प्लिट और क्रिटिकल चांस सॉरी अटैक स्पीड की तो ज़रूरत होगी, बट क्रिटिकल चांसेस की मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बिल्ड मेरे ख्याल से यहाँ पे बेकार था। सेवेज क्रिटिकल चांसेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको थोड़ा टैंकी बना दें शुरू से तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टैंक हीरो है, टैंक जंगलर कह सकते हो, टैंक वॉरियर कह सकते हो, और ये टैंक भी, ऐसे तीनों काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं, सबके अपने अपने हैं, तो आपको ये समझना है कि कौन से हीरो को क्या लगता है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे अरकाना सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा बर्सरकर में क्या है, नॉर्मल अटैक मिलेगा, फिजिकल आर्मर मिलेगा, पेनिट्रेशन मिलेगा। तो देखो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इसको भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मैजिक डैमेज है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी मैजिक डैमेज है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखो एबिलिटी पावर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत डैमेज है, और ये जब लेवल अप हो जाता है तो इसका डैमेज ऑलरेडी देता है अच्छा खासा, तो मैं इसको डैमेज नहीं जाऊँगा। बहुत लोग इसको एडी कर सकते हैं, लाइक एडी अरकाना यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एडी अरकाना नहीं जा सकते, जा सकते हो, बट मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप इससे हमेशा टैंकी जाओ, बेस्ट 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 अरकाना हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अरकाना है, तो हमने सिर्फ ये अरकाना क्यों चूज़ किया, लाइक
कहाँ गया, कौन सा अरकाना चूज़ किया था हमने, गार्डियन ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि गार्डियन में गाइस आर्मर है प्लस मैक्स एचपी है प्लस अटैक स्पीड है, तो इसको आर्मर की ज़रूरत है प्लस मैक्स एचपी तो चाहिए चाहिए, तो हम इसको टैंकी बनाने के लिए थोड़ा सा ये दे दिया। अब देखो मैंने ट्विच क्या किया, मैंने कुछ 8 दे रखे हैं और लास्ट के 2 चेंज किए हैं, नहीं एक चेंज किया ठीक है, ऊपर में एक मैजिक डैमेज थोड़ा दे रखा हूँ जिसमें एबिलिटी पावर 4.2 का है और मैजिक पिनिट्रेशन 2.4 का है। मैजिक पिनिट्रेशन काम क्या करता है गाइस आप सभी को पता ही होगा, लाइक लास्ट हिट में अगर कोई बंदा बच जाए ना तो गलती से भी अगर लग गया उसको पिनिट्रेशन अपना तो वो लास्ट हिट में भी मर जाएगा, लाइक वो भागते भागते भी मर जाएगा कोई अगर दूर जाता है। पिनिट्रेशन का काम यही होता है, मैजिक पिनिट्रेशन हो जाए चाहे या फिजिकल पिनिट्रेशन हो जाए। तो ये हो गया पहले बिल्ड का जो कि रेड है ठीक है। तो अब आते हैं ब्लू पे, तो ब्लू पे क्या है देखो पैलेडिन दिया है, पैलेडिन में क्या है मैं सॉरी पैलेडिन पैलेडिन दिया है, तो पैलेडिन में क्या है मैक्स एचपी प्लस कूल डाउन रिडक्शन, इसमें हम लोग अपने हिसाब से और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा है वो सही है बट मुझे जो प्रीफर मतलब मुझे जो सही लगता है मैंने वो उस पर सेट कर रखा है। तो आप सभी को बताता हूँ मैं लाइक इसको मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पर नॉर्मल अटैक जो कि ड्रैगन है नॉर्मल अटैक प्लस फिजिकल डैमेज प्लस पिनिट्रेशन, लेकिन इसमें पिनिट्रेशन है मैजिक पिनिट्रेशन नहीं क्योंकि ये मैजिक डैमेज देता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है ड्रैगन को, हटा दो उसको। लाइक आप इसको अटैक स्पीड प्लस मैजिक पिनिट्रेशन ये दे सकते हो, ये दे सकते हो एक जगह पे, बट मैंने नहीं दे रखा है क्योंकि मुझे इनफ लगता है, मैं इसको चाहूँ तो दे दूँ बट ये इनफ है मेरे लिए तो मैंने नहीं दे रखा। तो आप अगर चाहो तो उसको दे के आप टेस्ट कर सकते हो, अपने अरकानों को खुद टेस्ट करो खुद का बिल्ड करके कि वो आपके हिसाब से चल रहा है कि नहीं या आपके हिसाब से डिफेंस या डैमेज है कि नहीं। तो देखो ये सब अपन अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो पैलेडिन दिया क्योंकि इसमें मैक्स एचपी है प्लस कूल डाउन है, कूल डाउन की इसकी ज़रूरत है मुझे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा स्कर्ट का कूल डाउन थोड़ा कम है बट मुझे ऐसा लगता है बट ऐसा जो भी हो तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने इसमें पैलेडिन दे दिया है, तो पैलेडिन मैंने सब नहीं दिया है, लास्ट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, नहीं इसमें पैलेडिन सब दिया शायद, हाँ ये रहा। इसमें एक मैंने क्या दिया है डार्क सर्कल जिसमें आर्मर प्लस मैजिक लाइफस्टील है, मैंने एक दे रखा है। मैजिक लाइफस्टील से ये होता है कि भाई कभी गलती से अगर ये 1 HP पे है तो एक हिट से भी इसकी लाइफस्टील अगर हो जाती है और इसका आर्मर भी काम करता है तो बढ़िया हो जाएगा, मैंने ये सोच के दिया है। अब देखो सबका अपने अपने थॉट होते हैं, अपने अपने मेंटेलिटी होती है, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसको आप और अच्छा कर सकते हो, लाइक आप उसको और ज़्यादा मैजिक लाइफस्टील दे सकते हो और ज़्यादा मैजिक डैमेज दे सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से मुझे जैसा कम्फर्ट लगा मैंने इसको ये दे रखा है। अब बताते हैं यहाँ पर आ जाते हैं पर्पल वाले पे, पर्पल वाले का क्या काम है गाइस, देखो पर्पल वाले का काम भी यही है, लाइक तीनों ही अरकाना अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। अब पर्पल वाले पे क्या है, पर्पल वाले को भी मैंने थोड़ा डिफेंसिव बना रखा है इसलिए क्योंकि तो मैक्स एचपी मूवमेंट स्पीड प्लस इसमें एचपी 5 सेकंड मतलब हर 5 सेकंड में 5.2 का एचपी बढ़ेगा, इसको मैंने दे रखा है। अरकाना कहाँ है, इस अरकान को मैं सबसे पहले दौड़ रहा था क्योंकि ये हर 5 सेकंड में अपना एचपी को मैक्स करता है। इसको देने के बाद क्या हुआ, जो हमारा मैक्स एचपी थोड़ा कम हो गया तो मैंने क्या किया पता, इसमें मैंने और कुछ चेंजेस किया, लाइक अनडूइंग दे दिया। अनडूइंग का क्या काम है, ये देखो एक बार में प्लस 60 दे देता है और प्लस ये भी 5 सेकंड में 4.5 को बढ़ाता है। तो अब इससे होगा क्या, मेरे को एक बार में लाइक 60 तो मिल गया प्लस 4.5 भी मिल रहा है, बट ये रिलाइवर में क्या है, इसमें मूवमेंट स्पीड भी थोड़ा सा है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई इसी को ले लेता तू, लेकिन इसमें मूवमेंट स्पीड भी तो है इस वजह से मैंने ये ले रखा है। तो आप अपने हिसाब से, देखो मैंने ये भी दिया है कोलोसस, कोलोसस में क्या है सिर्फ 75 है, क्यों पता है, क्योंकि जब मैंने इतना ले लिया ना तो इसकी जो मैक्स एचपी 45 है इसकी जो थोड़ी कमी पड़ रही थी मैंने थोड़ा और एचपी बढ़ा दिया जो कि 75 मिल गया, प्लस 75 के साथ यहाँ पे मिल गया 60 प्लस 5 सेकंड में 4.5। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आप अपने हीरोज को, लाइक अपने किसी भी हीरोज को मेज है तो मैजिक डैमेज को समझ के आप बना सकते हो अरकाना खुद का, और या आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा इतना सा कॉन्सेप्ट। तो इसी थ्रू आप अपने मैजिक एडी क्रिटिकल जा सकते हो, तो मैं क्रिटिकल के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो लाइक जैसे कि वुकोंग है, देखो यहाँ पे जो सजेस्टेड है फिजिकल डैमेज पूरा फिजिकल डैमेज है, मैजिक डैमेज में पूरा मैजिकल डैमेज है, क्रिटिकल चांसेस और क्रिटिकल डैमेज ये दोनों ही फ़र्क है, दोनों में क्या काम है, क्रिटिकल चांसेस में हमें जो चांसेस मिलते हैं छोटे छोटे हिट्स पे, क्रिटिकल डैमेज जो एकदम परफेक्ट डैमेज पड़ता है ये है। तो देखो बहुत लोग लाइक अगर कोई MM खेल रहा है तो मैं इसको ये बोलूँगा कि आप ये दोनों मिक्स करके रखो अपने अरकाना में, ये दोनों मिक्स करो प्लस आप एक छोटा सा लाइफस्टाइल भी मिक्स कर सकते हो अगर आप एज एम MM के लिए जा रहे हो तो।
आप अगर एज अ जंगलर जा रहे हो तो वो जंगलर पे डिपेंड करता है। लाइक नेक्रोथ पे आप थोड़ा सा क्रिट देके पूरा लाइफ स्टाइल भी जा सकते हो। तो अपने अपने हीरोज का अलग अलग अरकाना आप अपने हिसाब से बनाओ। मैं तो मतलब आप अपने अब आई होप आप सब सीख गए होगे कि आप अपने हिसाब से कैसे अरकाना को कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड बस इसी तरीके से आप अपने अरकाना को मतलब बना सकते हो, लाइक किसी का सजेस्टेड ना यूज़ करके। क्योंकि देखो यार, सामने वाले बंदे को वो हीरो से मतलब जम रहा है वो अरकाना पे, बट सबका सेम नहीं होता मेरे भाई, सबका अलग अलग होता है। तो इंचार्टमेंट्स का भी यही काम है मेरे भाई। इंचार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, इंचार्टमेंट्स जो है इसका भी यही काम है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मैं आप सभी को एक सजेस्ट करूँगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रो टिप ये है कि आप इंचार्टमेंट में ना चाहे कुछ लो या मत लो, अगर आप जंगल ले रहे हो तो या कोई भी एक कॉम्पिटेटिव लेवल पे खेल रहे हो तो आप इस जगह पे ये ऑर्ब ज़रूर बना लो। ये ऑर्ब ज़रूर बना लो क्योंकि ये इससे होगा क्या कि इससे आपके सारे हीरोज़ को एक ऑर्ब मिलेगा। और ये ऑर्ब कहाँ काम आता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। लाइक कहीं लेट गेम में इंटेंस फाइट चल रही है या फिर कहीं ऐसे जगह पे आप फंस चुके हो जहाँ से आप सिर्फ अगर आपको एक सेकंड मिलता तो आप भाग सकते हो, तो या ये ऑर्ब काम कर देता है। और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे अगर कभी ऐसा होता है आपकी पूरी टीम मर गई और आप बच गए हो तो ये उस वक्त भी काम आता है, क्योंकि आप ऑर्ब बिल्ड करोगे उसमें गोल्ड लगेगा लेकिन इससे ऑर्ब पहले से ही रहेगा। तो एक यही प्रो टिप थी। और बाकी आप इंचार्टमेंट्स में आप सेम अरकाना की तरह अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा इसको सजेस्टेड ही यूज़ करो क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाइक बहुत से प्लेयर्स ना सजेस्टेड ही यूज़ करते हैं। देखो बहुत सारे प्लेयर्स जैसे यहाँ पे देख लो ट्यूलन के लिए ये यूज़ ही कर रहे हैं, तो सजेस्टेड यूज़ करने कर लो। बट मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर लेना, जो ये ऑर्ब है ये ज़रूर लेना, आपके सारे हीरोज़ में लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। टैंक में भी ले सकते हो बट मेरे ख्याल से टैंक में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी आप मेज में, जंगलर में और वॉरियर में और MM में, ये चारों में कोशिश करना कि ये वाला इंचार्टमेंट ज़रूर ले लेना। तो गाइस यही थे कुछ आज के टिप्स। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग एक और नई वीडियो में। वेट, अगर आप सभी को कोई और क्वेरीज हैं या कोई और कुछ और समझना है, देखो वीडियो तो लंबी हो चुकी है लेकिन अगर आप सभी को कुछ और समझना है तो यार ज़रूर से मुझे बता दो कमेंट करके। कमेंट मैं सभी के चेक कर रहा हूँ, तो कमेंट बता दो, मैं उसके रिलेटेड भी गाइड वीडियो बना दूंगा। सो या बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय।